कार्टियस रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में हम लोग एसर अजाइड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन में। एसर अजाइड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन में। मैकेनिज्म, अब जो एसिड अजाइड है, एसिड अजाइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एन एन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर सी ओ डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो यहां से ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और यहां से ये वाली नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन और ये वाला अल्काइल ग्रुप साथ आकर अटैच हो जाते हैं। इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं आइसोसायनेट, आइसोसायनेट। अब आइसोसायनेट का हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये वाला लोन पेयर अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और यहां से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस नाइट्रोजन के ऊपर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर एन सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आ जाएगा इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये बॉन्ड चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया था इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां से एक हाइड्रोजन को पिक कर लेते हैं और नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आएगा ओ एच। अब यहां से ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर एन एच नेगेटिव और साथ में CO2 प्रोडक्ट हुआ। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा अमाइन आर एन एच टू और ये हमारे पास है अमाइन प्राइमरी अमाइन। अब यहां पर जो रिएक्टेंट हम लोगों ने यूज किया है एसिड अजाइड, तो ये हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर एसिड अजाइड, कि ये वाला जो एसिड अजाइड है ये हम लोग कैसे तैयार करते हैं। एसिड अजाइड तैयार करने के लिए आप लोग एसिड हैलाइड का, ये हमारे पास है एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड भी कहते हैं इसको, इसका रिएक्शन करवा दें जी सोडियम अजाइड के साथ। सोडियम अजाइड का फार्मूला होता है Na(N3), इससे हमारे पास बनेगा एसिड अजाइड यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ N3। अब यहां से ये वाला जो है NaCl रिमूव कर दें और ये वाला जो N3 है ये इस क्लोरीन की जगह पे लाकर अटैच कर दें। NaCl और ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड अजाइड।